आपके अंदर फिर कोई पाप प्रभावी हो रहा है, उसका उपचार क्या है, उसका ट्रीटमेंट यही है कि न चाहते हुए भी सदग्रंथों के इस ज्ञान को रह रहकर सुनता रहे और फिर पुनः फिर रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा की महिमा जितनी बार सुने उतना ही अधिक आनंद आना चाहिए, तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। अब जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, वो नाम तो एक ही तो है और दिन में हजारों बार करते हैं और उतना ही आनंद आता है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान को समझना चाहिए। देखिएगा इस कबीर सागर में आपको दिखाते हैं, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित है कबीर सागर संपूर्ण 11। ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं इन 12 नकली पंथों की जानकारी, ये परसों भी दी थी आपको। ये है कबीर वाणी और ये बोध सागर है, इसके 136 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं। ये 12 पंथ काल ने कहा था मैं 12 पंथ नकली चलाऊंगा और अनेक पंथ बनाऊंगा, द्वादश पंथ काल फरमाना भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि साखा, प्रथम जग में जागो भरमावे। ध्यान देखिएगा ये है बोध सागर कबीर चरित्र बोध। यहाँ पर इन्होंने इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम है नारायण दास जी का पंथ, ये है चूड़ामणि जी का पंथ है, इन्होंने गलत लिखा है। नारायण दास तो पहले कबीर साहब से अलग हो गया था, वो तो कबीर पंथी बना ही नहीं था, चूड़ामणि जी का ही यहाँ दिखाएंगे देखो। और दूसरा है ये यज्ञोदास जी का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल पंथ, चौथा मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सत्यनामी पंथ, कमालीय पंथ कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ और प्रेम धाम की वाणी का पंथ और वर्मा गरीबदास पंथ। अब ये यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखियो एक कबीर वाणी 136 पृष्ठ पर, अध्याय कबीर वाणी है 136 पृष्ठ पर, यहाँ लिखा है द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी आदेश संदेश है, और भूले जीव न जाव ठिकाना गरीबदास पंथ तक 12 पंथों का के विषय में कहा है, ताते आगम कह हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि साखा, ये प्रथम यहाँ से शुरू होता है, प्रथम जग में जागो भरमावे, ये दूसरा है जगू, यहाँ आपने देखा ये देखो यहाँ दूसरा है, प्रथम नारायण दास है, वहाँ नारायण दास का जिक्र नहीं है, चूड़ामणि है वो सच्चा है, वो वाणी है परमेश्वर की, यहाँ इन्होंने फेरबदल कर दिया है। और दूसरा जागू यानी यागो दास, जागू कहो यागो कहो, सूरत गोपाल मूल निरंजन भगवान दास सतनामी, ये सब दिखाएंगे आपको। अब यहाँ आएगा फिर आज 136 पृष्ठ कबीर वाणी पर। अब यहाँ आना चाहिए दूसरा जग में जागो भरमावे, प्रथम चूड़ामणि है और बिना भेद व गर्म चुरावे, ये तीसरा है सूरत गोपाल और चौथा मूल निरंजन, तीसरा यहाँ चौथा मूल निरंजन वाणी, इन्होंने तीसरा लिखा है, लोक वेद की निर्णय ठानी दंत कथा बना रखी है लोक वेद, चौथा पंथ टकसार पंथ और पांचवा फिर ये बीज पंथ, ये छठा सातवां है, वैसे सातवां आठवां है, फिर ये इन्होंने छठा लिख रखे हैं, यहाँ सातवां है सतनामी पंथ सतनामी प्रकाश, और सातवां है जीवा पंथ राम कबीर पंथ, नौ दसवां है ये, ये आठवां लिख रखे नौवां है, और ये है दसवां ज्ञान की काल दिखावे, और ये ज्ञानी पंथ ज्ञान का पंथ, ये प्रेम धाम की वाणी पंथ, और ये फिर जीवा पंथ, और ये है दसवां भेद परम धाम की वाणी, ये जीवा पंथ जीव दर्डावे,
और यहाँ पर है फिर इस ये दसवां नहीं ये ग्यारहवां है, बारहवां यहाँ से शुरू हो जाता है। अब यहाँ क्या बताया है कि ग्यारहवें तक तीन में वंश अंश अधिकारा, तीन में सौ शब्द होए निर्धारा, इन ऊपर के पंथों की वाणी में भी सभी नाम निराधार होंगे। गरीबदास जी का बारहवां पंथ है, इसकी वाणी में मंत्र तो सही होंगे लेकिन इनके अनुयायी समझ नहीं सकेंगे। संवत 1775 हुई, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था, जो गलती से मिसप्रिंट है, ये 1775 नहीं 1774 है। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये देखो आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। हमारी ही साख लेके कबीर परमात्मा है, कबीर साहब हैं, लेकिन सही असंग जन्म भी वो सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, गरीबदास वाले पंथ में कबीर साहब कहते हैं मेरी वाणी का पुनर्फिर पराकाट्य होगा, उसमें यथार्थ ज्ञान होगा मेरे सत्र का, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास के पंथी ज्ञान वाणी के पढ़ने वाले हमारे ज्ञान के ऊपर ही वो प्रचार करते रहेंगे लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, अस्थिर घर माने सनातन परम धाम को नहीं प्राप्त कर सकते, ये बारह पंथ हम ही को जावें। आगे देखो कमाल कर दिया, बर है पंथ हम ही चल आवें, उस बर में पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आओगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। अब क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडो मैदाना। इस कलयुग का प्रथम जो चरण है वो बताया परमात्मा ने, जब मैं सतलोक जाऊंगा मगर तय सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और पिछली पीढ़ी अब ये है जो अब चल रही है, कहते हैं आज जो बात कर रहा हूँ मैं 5500 ये तब शब्द होएगा साचा, कहते ये शब्द तब साचा होगा जो आज मैं कह रहा हूँ, इतना जब कलयुग चला जाएगा। फिर बताया कि धर्मदास तो लाख दोहाई, और मूल शब्द बार जी न जाई, बाहर न जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। ओह मूल शब्द यानी मूल ज्ञान, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई तुम रखो गुप्त रखो, मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, यदि इन काल के दूता का ये तत्व ज्ञान हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आज ये दास आपको कैसे भिन्नता बताता है, नकली गुरुओं की वाणी आपके समक्ष लिपिबद्ध हो चुकी है, उनके ज्ञान का हमें पता है, और आज परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया वो भी आपके समक्ष है। तो यह कहे मूल ज्ञान जो बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा। कबीर साहब कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल दी, मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा, मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अब देखो 134 पृष्ठ पे, ये आप 136-137 पे पढ़ा कबीर वाणी में, और यहां देखना 134 पृष्ठ पे ये क्या बता है कि प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी के बारे में कहा है, दूसरा पंथ अहंकारी, ये जागू के जागू पंथ के बारे में कहा है, तीसरा वंश प्रचंड, ये 12 पंथों के बारे में जानकारी दी है, ग्यारह में वंश प्रकट सारा, और बारह में पंथ प्रकट होए उजियारा, ग्यारह में वंश प्रकट पसारा और बर में पंथ प्रगट हुए उजियारा, यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा का पुनः उजियारा होगा लेकिन क्लियर नहीं होगा उसमें। और 13वें वंश इस दास के विषय में कहा है, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, मेरा 13वां जो आवेगा इन 12 के बाद गरीबदास वाले पंथ में, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, एती दगा काल की सबाई और तत्व बिंदु की टेक रह जाए। कहती है 12 पंथों में काल ने खूब अज्ञान और दगा कर रखा होगा लेकिन फिर भी
इस तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी और मेरे बच्चे उसको समझ सकेंगे। 13वें वंश, इन 12 के बाद जो 13वां आएगा, कहते हम ही चल कर आएंगे। सुनना है तो दास को भेज दिया अपने कुत्ते को परमात्मा ने आप जी को जगाने के लिए। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, आज ये सकल अंधियारा ज्ञान का मिट गया, अज्ञान का नाश हो गया। परमेश्वर ने हमें यही जानकारी दी है पुण्यात्माओं, ये सब ज्ञान गुप्त रखा हुआ था और अभी तक इसको पिटारे को खोला नहीं था प्रभु ने, अब इस दास के माध्यम से आपके रूबरू करा दिया। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुर जादे उलझे ना दूजी बार। अब इस कलयुग में यो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान अब उलझे नहीं गा, अब इसको कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। लेकिन कुछ समय के बाद, हजारों वर्षों के उपरांत, ये प्राणी भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो अंतिम पीढ़ी होगी। प्रथम चरण कहते हैं, मगर से मैं जो जाऊंगा वो प्रथम चरण होगा, और कलियुग के लास्ट के सभी जीव मानव शरीरधारी कृतगनी हो जाएंगे, शराबी कुआबी हो जाएंगे और कोई भी भक्ति योग नहीं रहेगा। अब बीच का यो समय, जो बिचली पीढ़ी का, अब यो पीक टाइम है जो अब आपको प्राप्त है, और इस पीक टाइम में जो निकल गया सो निकल गया, रह गया सो बिरान मट्टी होगी। कहते हैं, माया काली नागनी अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात। कहते हैं, माया काली नागनी अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात। कहते कुंडली में से निकले रैधा सारण धीर, अब जैसे एक ये सांपनी जो होती है, सर्पनी, वो अंडे उत्पन्न करती है, और जब अंडों से बच्चे निकलने का समय आ जाता है, ये उन अंडों के चारों तरफ अपने दोम से एक कुंडली लगा लेती है, घेरा लगा लेती है, और फिर उनको अपने फन से फोड़ती है, उसमें से बच्चे निकाल देती है, फिर उन बच्चों को स्वयं ही खाती है। वो एक बच्चे को खा रही है, दूसरे बच्चों को पता है कि तुम्हारी खैर नहीं है, वो तुरंत भागने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो उसकी कुंडली से निकल गया उसको तो वो खाती नहीं, और कुंडली में रह गया उन्हें सारा न खाओगी। तो ये ईव एक कुंडली है इस काल की, और ईव इस कुंडली से निकलने का समय है। इस भक्ति को करके आप निकल गए तो काल की कुंडली से बाहर हो गए, और कुंडली में छोड़े नहीं, यहाँ रहोगे तो यू खावे खावेगा आपको, दुर्गति करेगा। अब परमात्मा ने अपने पाने का विधान बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, गुरु पूरा हो, उसको आदेश हो नाम देने का, और ये तीन मंत्र का जाप उसके पास हो, और कमलों के मंत्र भी उसके पास हो, तो वो पूरा गुरु होगा। अब परमात्मा ने एक पहचान बताई है कि जो मेरा संत होगा, मेरा कृपा पात्र होगा, उसकी एक पहचान और बताई है कि जो मेरा संत मेरा सत शब्द दृढ़ावे, सत शब्द यानी मूल शब्द, मूल ज्ञान, जो संत मेरे तत्व ज्ञान को बतावेगा, वाके संग सब राड बढ़ावे,
और अस संत में तनकी करनी, धर्मदास में तोकू वरनी।